नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बढ़ोतरी के लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ेगी पर 2 मई तक करना होगा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में होनी है दायर पेंशन से जुड़ी 32 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 32 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होने वाली है। तो आप जो है दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो यूपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशनर्स को मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके तहत 2 मई तक करना होगा इंतजार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होनी है दायर पेंशन से जुड़ी 32 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई। तो जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी 2 मई तक इंतजार करना होगा। दरअसल इस दिन सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन पर 32 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होनी है। इसमें निर्णय आने के बाद ही पीएफ विभाग कोई आदेश जारी कर सकेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की याचिका को खारिज कर केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन पर पेंशन दिए जाए, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मूल वेतन पर ही गणना कर पेंशन का भुगतान करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को उनके वेतन के 30-50% के बराबर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स के हक में जो केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उनकी जो पेंशन की गणना है उनकी अंतिम सैलरी के हिसाब से किए जाए, तो उस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसके बाद भी ईपीएस पेंशनर्स को पेंशन बढ़ोतरी के लिए 2 मई तक इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुल 32 याचिकाओं पर जो ईपीएस पेंशन से जुड़ी हुई है, तो उस पर अंतिम सुनवाई होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, केरल हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में, तो उस फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बरकरार रखा था। उसके बाद भी ईपीएस पेंशनर्स को 2 मई तक इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुल 32 याचिका जो कि ईपीएस पेंशन से जुड़ी हुई है, तो उनके ऊपर अंतिम सुनवाई होने वाली है। इस अंतिम सुनवाई के बाद ही ईपीएफओ जो है वो कोई ऑर्डर यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जारी कर सकता है, ऐसा यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।